अब बात फिल्म आर्टिकल 15 की, जो कल यानी कि 28 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। तो वहीं ट्रेलर जारी होने के बाद से ये फिल्म विवादों में आ गई है। फिल्म पर ब्राह्मण समाज का आरोप है कि फिल्म में उनकी छवि को धूमिल किया गया है। इसके बाद अब फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को फोन पर धमकियां भी मिल रही हैं। अब डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का विरोध करने वालों को जवाब देते हुए एक ओपन लेटर के माध्यम से कहा है। वो लिखते हैं कि ये फिल्म किसी भी तरह से किसी भी समुदाय का अनादर नहीं करती है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने इस ओपन लेटर में लिखा है कि देश के सभी ब्राह्मण संगठन, साथ ही करणी सेना को भी मेरा नमस्कार। मैं उन सभी सदस्यों को क्षमा भी करता हूं जिन्होंने असहमति और विरोध की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, मेरी हत्या, मेरी बहनों, मेरी दिवंगत मां के साथ बलात्कार की धमकियां दी। मेरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोग इस प्रकार के विरोध का सामना नहीं करेंगे। मैं आपको ये समझा दूं कि किसी भी फिल्म का ट्रेलर उसकी पूरी कहानी नहीं कह पाता, संभव नहीं है ऐसा करना। फिल्म के बहुत से टुकड़ों को जोड़कर एक आकर्षक कहानी बताने का प्रयास एक ट्रेलर के जरिए किया जाता है। कोई भी फिल्म किसी भी समाज का निरादर करने का प्रयास करेगी, ऐसी संभावना कम है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने आगे लिखा है कि फिल्म आर्टिकल 15 की बात करें तो मेरा विश्वास है कि फिल्म में ब्राह्मण समाज का कोई निरादर नहीं किया गया है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि फिल्म में बनाए जाने के दौरान मेरे कई ब्राह्मण साथी और कलाकार इस फिल्म का हिस्सा बने और इस फिल्म पे किसी भी समाज का किसी भी प्रकार का अनादर नहीं किया गया है।